दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक्टर के बारे में बताने वाले हैं, जो कि नाम है उसका मैसी 244 डायना ट्रैक, जो कि यह फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है, कंपनी ने लॉन्च किया। तो भाइयों, अब इस ट्रैक्टर के बारे में अगर जानकारी दें तो ये आपको 44 HP में जो ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर इस ट्रैक्टर की क्यूबिक कैपेसिटी की बात करें तो 2500 CC में इसका इंजन आपको देखने को मिलेगा। इसमें यस 325 वाला इंजन लगा है, अब जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह सिप्सन का T3A S325.1F2 अपग्रेडेड इंजन है। वही इस ट्रैक्टर के अगर सिलेंडर की बात करें तो यहाँ आपको 3 सिलेंडर में देखने को यह ट्रैक्टर आपको मिलेगा। इस ट्रैक्टर के अगर इंजन रेटेड RPM की बात करें तो 2250 इसका इंजन रेटेड RPM आपको देखने को मिलेगा। फोर व्हील ड्राइव है ये, पोर्टल एक्सल वाला फोर व्हील ड्राइव आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरा बंद अगला सीज आपको मिलेगा। अगर इस ट्रैक्टर के हम शुरुआत में बम्पर की बात करें तो बम्पर इसका कुछ इस तरह स्टाइलिश बम्पर आपको नज़र आएगा, जो अन्य मैसी के बम्परों से या अलग आपको देखने को मिलेगा। बाकी आगे की सो तो वही पुरानी सो देखने को मिलेगी, मजबूत जाली के साथ में। वही अगर इस ट्रैक्टर के हम अगले टायर की बात करें तो यह इसमें 8/18 का ट्रैक्टर, इसमें अगला टायर फ्रंट मिलेगा देखने को, जो कि फोर व्हील ड्राइव में है। और पिछला टायर इसमें 13/6/28 का आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। वही पिछले में आपको वेट भी 25-25 किलोग्राम के दो वेट इधर दो वेट उधर, बड़ा ही स्टाइलिश अच्छे तरीके से वेट लगे हुए हैं, जो कि महसूस ना हो रहे हैं कि लगे हैं वेट। तो यह 50 किलोग्राम के दोनों तरफ वेट आपको देखने को मिलेंगे। भाई, उस ट्रैक्टर का व्हील बेस की बात करें तो 2040 mm इसका व्हील बेस है। वही ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ज़मीन से ऊंचाई आप देख सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस ही होता है ये। ग्राउंड क्लियरेंस आपको 380 mm आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा। वही स्ट्रक्चर में अगर बात करें पंप की तो इसमें सादा पंप, इनलाइन पंप आपको देखने को मिलेगा, पंप के साथ कोई छिड़खानी नहीं है, वही सादा पंप आपको देखने को मिलेगा। अगर इसके इंजन की बात करें तो भाइयों, इसका इंजन कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। आगे की तरफ बैटरी, वही 3 स्टेज का आपको ऑयल बास टाइप वाला एयर क्लीनर देखने को मिलेगा। वहीं कूलेंट बॉक्स आपको इस तरीके से कुछ फ्यूल टैंक के जस्ट पास में रखा हुआ आपको मिलेगा। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 55 लीटर आपको देखने को मिलेगी। फ्यूल टैंक काफ़ी अच्छा है 55 लीटर का, जो कि बार बार भराने की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। वही अगर हम इसमें ऑयल फिल्टर की बात करें तो भाइयों, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब एक कपड़े वाला फ़िल्टर आता था और एक कागज़ वाला था, दोनों को मिला के इसमें एक ही कर दिया है। साथ में इसमें वाटर सेपरेटर भी नीचे की तरफ कर दिया गया है, तो 3 एक प्रकार के फ़िल्टरों को इसमें एक ही में एडजस्ट कर दिया गया है, देख सकते हैं आप। ये इस टाइप का आपको लिखा है, ड्रेन वाटर रेगुलरली। वहीं इसका अगला एक्सल आपको पोर्टल टाइप का मिलेगा। यहाँ ट्रैक्टर आपको पावर स्टीयरिंग में, वो भी डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगला इसका एक्सल पूरा सीज मतलब चारों तरफ से सील बंद हुआ आपको देखने को मिलेगा, सेम इस तरफ के। भाइयों, उस ट्रैक्टर के अगर टोटल वज़न की बात की जाए तो 2150 किलोग्राम इसका टोटल वज़न आपको देखने को मिलेगा, जो कि फोर व्हील ड्राइव में है, तो 21.5 क्विंटल इसका टोटल वज़न आपको देखने को मिलेगा। अब भाइयों, इसके अगर हम प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म इसका बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं काफ़ी जगह प्लेटफॉर्म में है, और कुछ टाइप के आपको पैडल देखने को उस ट्रैक्टर में मिलेगा। अगर इस ट्रैक्टर में बात सीट की जाए तो इसमें आपको एडजस्टेबल सीट आपको मिलेगी, कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे और पीछे। वही इस ट्रैक्टर की अगर बात करें जाए अगर गियर बॉक्स की, तो इसमें भाइयों आपको गियर बॉक्स कॉन्स्टेंट में
आपको गियर बॉक्स मिलेगा, वहीं इसमें डुअल क्लच, डुअल डायाफ्राम क्लच स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगी। भाइयों सबसे अच्छी बात है इसमें स्ट्रक्चर में आपको सुपर सटल भी देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं उस तरफ रेस का लीवर है, ये इस तरफ सुपर सटल का लीवर है, जो कि सेम स्पीड में आगे पीछे आप जा सकते हैं। वही ट्रांसपोर्ट लॉक की बात की जाए तो इसमें इस टाइप से आपको ट्रांसपोर्ट वॉल्व देखने को मिलेगा। इस ट्रैक्टर में आपको हाई लो और मीडियम तीन स्पीडें देखने को मिलेगी, या इसका हाई लो मीडियम का लीवर है। और इसमें अगर स्पीड की बात की जाए तो इसमें 4+4+12+12 आपको स्पीड देखने को मिलेगी। वही अगर इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस टाइप का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग इसका वही पुराना वाला है, कोई ख़ास स्टेयरिंग में बदलाव नहीं किया गया है, थोड़ा बड़ा है स्टेयरिंग। साथ ही में साइड में यह पार्किंग ब्रेक आपको देखने को मिलेगी। बात करें इस ट्रैक्टर में अगर पीटीओ की तो इसमें पीटीओ आपको 4 PTO मिलेंगे, क्वाड्रा पीटीओ में लाइव पीटीओ 540, जीएस पीटीओ मतलब ग्राउंड स्पीड पीटीओ, एमएस पीटीओ मतलब मल्टी स्पीड पीटीओ, और चौथा रिवर्स पीटीओ इसमें आपको मिलेंगे। तो यह पीटीओ का लीवर है, जो आप स्पीड जैसे लेना चाहें, LPTO लाइव पीटीओ तो आगे की तरफ, ये न्यूटन की कंडीशन में आ गया, जीएस पीटीओ और उसके पीछे एमएस पीटीओ। या पीटीओ की स्पीड के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जैसी स्पीड लेना चाहें, या एमएस पीटीओ का दिया हुआ है। अगर हम इसके बैक की बात करें तो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी आपको 2050 किलोग्राम इस ट्रैक्टर की देखने को मिलेगी। एक्सल आपको इसमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, आप पीडी एक्सल, यह पूरा तेल में डूबा हुआ एक्सल है। इसका पीटीओ एचपी की बात करें तो इसमें 6 स्पाइन वाला आपको 37.8 HP का पीटीओ एचपी ये देगा आपको। वही इसकी टूल बॉक्स किट जस्ट सीट के पीछे रखी हुई इस टाइप से मिलेगी। वही बॉटल के लिए किट ये आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी। और साथ ही में इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर टेंडम पंप के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसका लीवर यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, या RMB प्लाउ जो डबल डिस्ट्रीब्यूटर जिसका जो काम पड़ेगा वो आप इसमें ले सकते हैं। अगर इसमें चेक चैन की बात की जाए तो इसमें चेक चैन कुछ इस टाइप से आते हैं, लिंक लेवलर, इसमें चैन इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, जो कि पुराने वाले ट्रैक्टरों से बिल्कुल मैसी के अलग है। इसमें बात करें हिच तो यह हिच आपको एडजस्टेबल मिलेगी, आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें हिच देख सकते हैं आप। साथ ही में यह DC और PC लीवर आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेफ्टी के साथ पूरा पैक्ड। थैंक यू भाइयों, अगर कुछ जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।